भाजपा विधायक के मदल विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के एक दिन बाद लोकायुक्त के अधिकारियों ने शुक्रवार को उनके घर से 6 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की। भाजपा विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर पर लोकायुक्त की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा की गई छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि लोकायुक्त स्वतंत्र है और स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच होने दें। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखाकार प्रशांत को गुरुवार शाम केमिक्सल कॉरपोरेशन के एक ठेकेदार श्रेयस कश्यप से कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के SDL कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। लोकायुक्त न्यायमूर्ति BS पाटिल ने कहा था कि छापेमारी के दौरान 2.2 करोड़ रुपये बरामद किए गए। बाद में आवासों से 6.10 करोड़ रुपये बरामद किए गए। इस घटनाक्रम को सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक गंभीर छक्के के रूप में देखा जा रहा है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब विपक्ष सरकारी टेंडरों में 40% कमीशन और घूसखोरी को लेकर हमले कर रहा है। लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक दावणगेरे जिले के चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विरूपाक्षप्पा के SDL के अध्यक्ष हैं और प्रशांत कथित रूप से अपने पिता की ओर से रिश्वत की पहली किस्त प्राप्त कर रहे थे। गर्मी का सामना करते हुए विरूपाक्षप्पा ने आज पहले पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री को लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि उनके और लोकायुक्त के छापे के बीच कोई संबंध नहीं है, जिसे उन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ एक साजिश करार दिया। इसके बावजूद कि मेरे खिलाफ एक आरोप लगाया गया है, मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूं और KSDL अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं, उन्होंने कहा। CM बोम्मई का कहना है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जाल इस बात का सबूत है कि पिछली कांग्रेस सरकार के विपरीत भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकायुक्त को पुनर्जीवित किया गया है, जिसने लोकायुक्त संस्था के अलावा एक अलग भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो बनाया था ताकि उनके गलत कामों को कवर किया जा सके। उन्होंने कहा, हमारा मकसद दोषियों को सजा दिलाना है। सारा ब्यौरा लोकायुक्त के पास है, वह पैसा किसका था, कहां से आया, सब कुछ सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा, इससे पहले कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने भ्रष्टाचार के कई मामलों को बंद कर दिया था और जांच बंद कर दी थी। हर चीज की जांच होने दें और सच्चाई सामने आए, हम उन सभी मामलों की जांच करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कहा कि विधायक के बेटे द्वारा रिश्वत की मांग राज्य में 40% कमीशन सरकार के काम करने का सबूत है।